The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar, adab, sat sri akal, dosto, main hu Dr. Paramjeet. Aap dekh rahe hain Dr. Education, and we are going to talk about डायबिटिक रेटिनोपैथी. आपको अगर शुगर है या शुगर आपके फैमिली में किसी को है, इवन इफ नहीं है तो भी ये वीडियो जरूरी है, बिकॉज रेटिनोपैथी इज अ प्रॉब्लम. या आंख खराब होना एक उम्र के साथ तो होता ही है, मगर कई लोगों का डायबिटीज के वजह से और ऐसी ही ब्लड प्रेशर की बीमारी के वजह से भी कई बार हो जाता है. वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या जस्ट अ लाइफस्टाइल वाली बीमारी जो उम्र के साथ आपका आंखें खराब कर देती है. सो आंखों से अगर आपको दिखना कम हो गया है, ब्लरिंग हो रहा है, आपको लग रहा है कि उम्र का तकाजा है, तो एक बार अपनी शुगर चेक करा लीजिए. हो सकता है आपको डायबिटीज़ भी हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर भी हो. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू दिस, यू कैन आस्क मी. एंड डायबिटीज़ के ऊपर हमारे बहुत सारे डिटेल वीडियोज़ हैं ऑलरेडी प्रेजेंट all over YouTube. Just type diabetes by Dr. Education, you'll see a lot of videos. और उसमें से आप choose करके देखिए. और मेरा recommendation होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा videos देखिए, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही knowledge मिल पाएगा. आज का जो topic है diabetes retinopathy, this is basically because of a complication of diabetes. मतलब आपकी आँखों में damage हो रहा है because वहाँ diabetes नाम की बीमारी एक उसके जाने वाले blood supply को damage करती है. Now, आंखों के अंदर एक लाइट सेंसिटिव टिश्यू होता है जिसको हम पीछे का पर्दा जिसे कहते हैं, जिसको हम रेटिना कहते हैं, रेटिना कहते हैं, व्हाटएवर यू कॉल इट, दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आई, जिसमें कि आंखों में रोशनी पड़ती है. वो रोशनी एक इमेज बना देती है, वो इमेज से आप जो है देख पाते हैं कि सामने कौन है. अब इसमें जाने वाली खून की नसें एक इंपॉर्टेंट है और आने वाली इलेक्ट्रिकल नसें इंपॉर्टेंट है जो ब्रेन को सिग्नल देती हैं. पहले जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है वो शुरू होती है बिकॉज ऑफ दीज ब्लड वेसल्स. खून की नसें जो इसमें जा रही हैं वहां पे दिक्कत आने लगती हैं. क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वी विल अंडरस्टैंड दिस. कॉजेस क्या है उसके बारे में और क्या रीजंस हैं विल अंडरस्टैंड. बट समझिए, खून की नसों को डैमेज हो रहा है आंख के पीछे के पर्दे को, और इस डैमेज के कोई सिम्टम नहीं आते, कोई लक्षण नहीं आते हैं. जैसे जैसे हो सकता है आपको आगे चल के जब थोड़ा थोड़ा डैमेज हो जाए तो माइल्ड विजन प्रॉब्लम आने शुरू हो और इवेंचुअली अंधे भी हो सकते, इवेंचुअली अंधे हो जाओ. अंधे बहुत खतरनाक चीज है. अगर रेटिना गेट्स डैमेज, देयर इज नो क्योर, देयर इज नो ट्रीटमेंट. ठीक है, नाउ ये किसी को भी हो सकता है. टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, बिना डायबिटीज के उम्र के साथ भी हो सकता है, बहुत हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है. सो थिंग्स आर देयर विच कैन कॉज प्रॉब्लम्स. नाउ अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में द चांस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस विल बिकम मोर. अनकंट्रोल्ड है तो और ज्यादा चांसेस है, कंट्रोल्ड है तो देर इज अ लेस चांस, या हो सकता है तो कॉम्प्लिकेशंस आने हैं या आप 10, 20, 25 साल दूर कर दें, उतना दूर कि आपको हो ही ना उम्र के हिसाब से. सो व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन, होता क्या है, सिम्टम क्या आता है. अगर आपको ऐसा कुछ होगा तो होगा क्या कि आपके आंखों के सामने स्पॉट्स या डार्क रिंग्स दिखने लगें, फ्लोटर्स दिखने लगें, ब्लर होने लगे आपका विजन, आपके विजन फ्लक्चुएट होने लगे, कलर विजन आपका इंपेयर हो जाए, ये ग्रीन की जगह कुछ और दिख रहा है, पहले की जगह कुछ और दिख रहा है, विजन लॉस ही हो सकता है, या डार्क एरियाज हो सकते हैं कि एरिया डार्क दिख रहा है, ब्लरी दिख रहा है, दैट कैन बी देयर. और ज्यादातर केसेस में डायबिटिक रेटिनोपैथी दोनों आंखों को आपके दिक्कत कराती है. ऐसे में फिर आप डॉक्टर को जाके मिलें, डॉक्टर आपकी आई को टेस्ट करेंगे, अंदर से रेटिना को देखेंगे, रेटिना पे कभी कभी कुछ चेंजेस बदलाव नजर आते हैं जिससे पता चलता है कि भैया ये जो है आंखों के पर्दे के पीछे डैमेज हो रहा है, बिकॉज उसमें खून सप्लाई नहीं है, आपको डायबिटीज है, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है बिकॉज ऑफ दैट. सो क्यों होता है ये, ऑब्वियस सी बात है, जैसे डायबिटीज में हार्ट अटैक होता है, खून के नसों में ब्लॉकेज होता है, वैसे ही बहुत सोचो, हार्ट तो फिर भी इतना बड़ा होता है, आंखें तो ये तुने सी होती है, आंखों में जाने वाले पीछे का पर्दा ही तुने सा होता है, उतनी तुने से पर्दे में छोटा कितनी छोटी छोटी खून की नसें होंगी, मतलब हल्का फुल्का ब्लॉकेज भी उसको बंद कर सके, ऐसा टाइनी 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 ब्लड माइक्रो ब्लड वेसल्स होती हैं. और वहां पर बिकॉज ऑफ हाई शुगर आपके खून की नसों में वहां पे इन्फ्लामेशन होता है, हाई शुगर के वजह से वहाँ की चिपचिपाहट, इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं, चिपचिपाहट बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल, खून के ब्लड के सेल्स, वाइट सेल्स, प्लेटलेट्स, ये सब जाके चिपकते हैं, ब्लॉकेज कर देते हैं, खून नहीं जाता,
जय माता दी, लेट्स रॉक, जितने एरिया में हो रहा है वो एरिया खत्म होने लग जाता है. सो दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? सो दिस इज द बेस रीजन व्हाई डायबिटिक रेटिनोपैथी या डायबिटिक हार्ट डिजीज या डायबिटिक वेस्कुलरपैथी या पैरों में सुनपना, डायबिटीज के वेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में एक नंबर वन और सबसे पहले आने वाला है रेटिनोपैथी. बिकॉज भाई छोटी सी नस है, महीन महीन रेखाएं हैं. देखो शरीर कोशिश करता है, आंख कोशिश करती है कि वही एक ब्लॉक हो रही है तो दूसरी बनाने, नेचुरल बाईपास कर ले, यहां भी कोशिश करती है. बट देन ब्लड वेसल जो है बहुत आसानी से नहीं बनती आंखों में. नंबर दो, लीक कर सकती हैं, नई ब्लड वेसल्स लीक कर सकती है, और लीक करा ऊपर क्लॉट आ गया, रेटिना पे क्लॉट आ गया, ब्लैक मार्क, ओ तेरी आंखों के सामने ब्लैक मार्क आ जाएगा, ये क्या हो गया है ना. सो दैट इज अ बिग बिग थिंग. सो इस डायबिटिक रेटिनोपैथी को दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है, अर्ली और एडवांस्ड. अर्ली रेटिनोपैथी, एडवांस रेटिनोपैथी. अर्ली को दूसरे कॉमन फॉर्म में बोला जाता है नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, NDPR. इसका मतलब यह है कि न्यू ब्लड वेसल्स जो है वो ग्रो नहीं कर रही है, न्यू ब्लड वेसल्स नहीं आ रही है, ब्लॉक हो रही है, न्यू ब्लड वेसल्स नहीं आ रही है, NDPR का ये मतलब है, राइट? टाइनी टाइनी छोटे छोटे बल्जेस दिखेंगे आपके खून की नसों में वहां पे, क्योंकि ब्लॉकेज है तो उसके पीछे जो है खून की नस फूलने लगेगी, माइक्रो एर्न्यूरिज्म दिखेगा, तो खून की नसों में छोटी छोटी दिखेंगे, कई कई छोटा छोटा लीकेज दिखेगा, ब्लड दिखेगा आपके आंख के पर्दों के ऊपर, और लार्ज लार्ज जो खून की बड़ी वेसल्स हैं वो डायलेट होने, मोटी मोटी होने लगेंगे, वो फट रहा है ना, क्योंकि वो फूल रहा है. अगर जो ऐसी आंख के पर्दे के बीच में एक मेन पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं मैक्यूला, मैक्यूला में कई बार फिर वहां पे अगर दिक्कत होने लगे तो वो सूजन आने लगती है वहां पर. वहां पर अगर सूजन आ जाए रेटाइना के बीचों बीच तो वो मैक्यूलर एडिमा, वो फिर भैया उसको बहुत जरूरी हो जाता है ट्रीटमेंट करना, वरना आंख गई. सो एडवांस स्टेज में सिवियर टाइप में उसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, मतलब जो डैमेज वेसल्स हैं वो बंद हो गई हैं और उसके वजह से नई नई वेसल्स आने लग रही हैं, एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स आ रही हैं रेटाइना के ऊपर, और ये ब्लड वेसल्स जो है लीक कर रही हैं और आपके आंख के अंदर जो पानी है उसके अंदर जेल जैसे चीजें आने लगेगी, वो जो बिकॉज दैट्स द वो जो लीक कर रही है, वो जो लिक्विड लीक कर रहा है वो जेल जैसा आंख के पानी के पीछे आएगा, इवेंचुअली वहां पर स्कार टिश्यू बन जाता है जहां जहां नई वेसल्स आने की कोशिश करती हैं, और वो रेटाइना के अंदर ब्लॉकेज कर सकता है, रेटाइना निकाल के वहां से डिटैच कर सकता है, फटा फाड़ सकता है, न्यू वेसल्स नॉर्मल ब्लड वेसल्स के ऊपर ब्लो कर सकती हैं, प्रेशर कॉज कर सकती है, आंखों में दर्द हो सकता है, नसों को डैमेज कर सकता है, ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकता है, आंख के अंदर प्रेशर बढ़ा सकता है, ग्लोकोमा कर सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता. सो भैया खतरनाक सी बीमारी है ये, इसको हल्के में मत लीजिएगा. आई का चेकअप बहुत जरूरी हो जाता है डायबिटीज पेशेंट्स में, जरूर करिए, डायबिटीज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, राइट? रिस्क किसको है, किसको ज्यादा होगा, जिसको डायबिटीज है. ड्यूरेशन जितना ज्यादा लंबी डायबिटीज लंबा रिस्क, अनकंट्रोल डायबिटीज लंबा रिस्क, उसके साथ हाई ब्लड प्रेशर और ज्यादा रिस्क, साथ में कोलेस्ट्रॉल और रिस्क, प्रेगनेंसी, टबैको यूज, स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं और ज्यादा रिस्क. तो भैया रिस्क कम करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, नहीं करोगे तो ब्लाइंड हो जाओगे, अंधे हो जाओगे, ग्लोकोमा हो जाएगा, आंख का पर्दा जो है वहां से फट जाएगा, रेटाइनल डिटैचमेंट हो जाएगा, या आंख के अंदर ही ब्लीडिंग होने लग जाएगी. विट्रस हीमोरेज नाम की चीज होती है, आंख के अंदर ब्लीडिंग, सीरियस सीरियस प्रॉब्लम. क्या कर सकते हो, प्रिवेंशन कर सकते हो, कर सकते हो, शुगर लेवल्स चेक कर सकते हो. द नंबर वन प्रिकॉशन इन डायबिटीज इज टू चेक योर शुगर रेगुलरली, चेक योर शुगर, शुगर कंट्रोल में आएगा, डायबिटीज के रिस्क कम हो जाएंगे. HbA1c लेवल्स हर 3-6 महीने में कराओ, कीप योर ब्लड प्रेशर, योर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, डू नॉट स्मोक, रेगुलर एक्सरसाइज, गुड स्लीप, बैलेंस डाइट, बहुत सारा पानी, आंखों के लिए चश्मा, आंखों के लिए चेकअप, आई के डॉक्टर, पे अटेंशन टू योर विजन, लिसन टू योर आईज, दैट्स इट. क्या है और कुछ है ही नहीं, सिंपल सिंपल एज अ पिंपल. भैया आंख के डॉक्टर के पास जाओ अगर आपको रिस्क लग रहा है, आई डॉक्टर चेकअप करेगा और बता देगा कि आपके आंख के अंदर कोई इशू है कि नहीं. कभी कभी आंख के अंदर पुतनियां डायलेट करके देखना होता है, दोज थिंग्स दे डॉक्टर्स विल डू एट रेटाइनोस्कोपी, एंड कई बार उसके अंदर एंजियोग्राफी भी हो सकता है, ऑप्टिकल कोहरेंट टोमोग्राफी भी हो सकता है, देर आर टेस्ट अवेलेबल जिससे और कुछ टेस्ट किए जा सकती है कि खून की नसों में क्या क्या इशू है. और ट्रीटमेंट में डायबिटिक रेटाइनोपैथी में कई ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, वो आपको एक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट बताएंगे, ठीक है? सो दैट्स इट अबाउट दिस, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.